अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ हमज़ा अब्रार कुरैशी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा शाह आलमी मार्केट, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है पूरे पाकिस्तान में और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी है। ये इस टाइम पूरे एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। इसको लोग बोलते हैं शाह आलमी, ठीक है। बेसिकली इसका जो एक्चुअल नाम है वो है शाह आलम मार्केट। तो आज मैं आपको विजिट करवाऊँगा। ये आप देख सकते हैं पीछे, इस टाइम ये सारी शाह आलमी मार्केट है। मैं बेसिकली जो आज आया हूँ शाह आलमी मार्केट को इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे घर पे एक वेडिंग इवेंट है, तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि वहाँ से मुझे इजीली प्रोवाइड नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा मैं शाह आलमी मार्केट के करीब ही था, सोचा यहाँ पर आ जाऊँ और वो चीज़ें खरीद लूँ और साथ साथ आप लोगों को मैं दिखा भी दूँ। आज मैं आपको लेके जाऊँगा डिफरेंट शाह आलमी मार्केट के अंदर भी डिफरेंट वेरियस मार्केट्स हैं, तो आपको सारी मार्केट में विज़िट करवाऊँगा। तो आप एंड तक ये वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। और आज आप लोगों को थोड़ा सा मैं शाह आलमी मार्केट दिखाऊंगा। पूरी मार्केट तो देख नहीं सकते क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, आपको एक छोटा सा पोर्शन मैं दिखाऊंगा पर आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ देख लिया। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैंने अपने घर के बाहर लगाने के लिए लाइट्स लेनी है, तो ये लाइट डेकोरेशन वाले हैं सारे के सारे, जितने भी आपके सामने हैं पूरी मार्केट है और इसमें सारी लाइट्स ही लाइट्स हैं, ठीक है। तो अभी इस मार्केट के अंदर चलते हैं और पता कर लेते हैं लाइट्स का। यहाँ पे क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा होता है तो आपको इतनी आसानी से रास्ता मिलता नहीं है, लेना पड़ता है। अभी फ़िलहाल क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी आया हूँ तो अभी इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। अभी जैसे शाम के 5-6 बजेंगे यहाँ पे तो पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये आप देख रहे हैं सारे लाइट्स वाले बैठे हुए हैं। इसी तरह की अभी 2-3 ऐसी रोड्स हैं जिस पर पूरी पूरी मार्केट है लाइट की। ये शॉप्स इनकी छोटी छोटी हैं और इनके पीछे पूरे पूरे गोदाम्स होते हैं, पूरे पूरे कंटेनर। ये क्योंकि बेसिकली ये होल सेलर्स हैं तो ये बिल्कुल छोटी छोटी दुकानें हैं, इनकी दुकानें मैटर नहीं करती, इनके पास माल बहुत ज़्यादा होता है, ये सारे होल सेलर्स हैं। ये इलेक्ट्रिक का सारा सामान स्टार्ट हो गया, अभी हमने उसी साइड पर रहना। तो जी ये मार्केट क्रॉस कर रहे हैं हम, ये रास्ते बने होते हैं एक प्लाजे से दूसरे प्लाजा में इस तरीके से। ऊपर से भी दिखा देता हूँ कैसा है। अभी हम एग्जैक्ट मेन मार्केट में जा रहे हैं जिधर लाइट्स मिलती हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर कैमरा शेक कर रहा हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं इस टाइम वॉक कर रहा हूँ, यहाँ पे गाड़ी पे तो आ नहीं सकते, रास्ता तो आपने देख ही लिया। ये जी निशानियाँ आने लगी हैं लाइट्स की, ये देखें। ये देखें जी लाइटों की मार्केट आ गई है। जी हम मजीद अंदर जाएंगे। Thank you.
तो ये शॉप है इनकी छोटी सी, मैंने आपको बताया था इनके बैकअप पे काफ़ी सामान होता है, इनसे मैंने ये सामान लिया है। तो ये टोटल मैंने सामान इनसे लिया है, जिसमें लाइटनिंग है, लड़ी है, ठीक है, तो इसमें लड़ी है और साथ ये स्विच है इस तरह के। तकरीबन मैंने टोटल 36 मैंने ली हैं ये लड़ियाँ, और इसके हिसाब से 36 स्विचेस हैं। तो अब ये लगाएंगे घर पे इंशाल्लाह। तो रेट भी भाई ने मुनासिब दिया, इनकी शॉप है भाई ये। चलें आइए अब आगे चलते हैं जी। सामान मैंने ले लिया, ये मेरे पास है, और ये रहा। अब हम जा रहे हैं जी, यहाँ पे एक और मार्केट है, वो तो लाइटों वाली मार्केट थी जिधर से हम आए हैं। यहाँ पे आए अब एक मार्केट, उसका नाम है बाड़ा मार्केट, बहुत फेमस मार्केट है शालमी में। तो वहाँ से अब हम और चीज़ें लेते हैं, आपको वहाँ पे भी लेके चलता हूँ। ये सारा होलसेल का है यहाँ पे इनका काम, ये एक होलसेलर्स हैं, फिर इनसे भी बड़े होलसेलर्स हैं इनके पास, वो जो डायरेक्टली इम्पोर्ट करवाते हैं सामान। ये देखें ये टेप्स, ये तो खैर अभी एक दुकान है ना, यहाँ पे अगर आप टेप है ना, तो टेप की भी पूरी मार्केट है। कुछ भी है यहाँ पे तो उसकी पूरी पूरी मार्केट है। ये देख शानदार। आपने सिर्फ एक चीज़ सोचनी है और उसकी मार्केट आपको मिल जाएगी यहाँ। अब मैंने लड़ी ली तो है, दुआ करें अल्लाह करे सारी चल जाए। इसमें से अगर एक दो भी ख़राब होगी ना, तो मेरा सर्किट ख़राब हो जाएगा। अब ना यहाँ से मेन पे हो जाते हैं, क्योंकि जाया नहीं जाना। देखिए साथ साथ जैसे जैसे हम लेट होते जा रहे हैं, उससे उसका रश बढ़ता जा रहा है। वो सामने बड़ा मार्केट का आ गया एंट्रेंस, वहाँ पे हम जाते हैं और फिर आपको मैं मज़ीद आके दिखाता हूँ। तो जी ये आ गई जी बाड़ा मार्केट, पर अब मैंने डायरेक्टली बाड़ा मार्केट में नहीं जाना, मैंने ज़रा एक और जगह पे जाना है। तो वो अंदर अंदर से रास्ते हैं, यहाँ से दुनिया जहान की हर चीज़ मिलेगी आपको इंशाल्लाह। तो मैंने एक जगह पे जाना है, उसके बाद मैं बारा मार्केट जाऊंगा। यहाँ पे हर चीज़ साबुन, ये वो पता नहीं क्या कुछ। अब मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा। ये आगे जी बैग्स वाली साइड है, और अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, ये ऐसी थोड़ी थोड़ी सी है। मैं थोड़ा सा इस जगह से फैमिलियर हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे आया था दो तीन दफ़ा ना, शौक था मुझे काफ़ी घूमने का, तो घूमते घूमते फिर मुझे काफ़ी यहाँ का पता लग गया। ये देखें ये ज्वेलरी वाली साइड आ गई। ये देखें ये सीखों की दुकान। यहाँ पे सिख भी बिजनेस कर रहे हैं। जो काम करना था वो मैंने कर लिया है मार्केट में से, बड़ा मार्केट से। अब मैं आपको ना कुछ स्टॉल्स दिखा रहा था, फूड स्टॉल्स इन्होंने लगाए हुए हैं अपने एक एक चौक में, जो आप देख। बस चावल भी हैं,
एक ये फूड स्टॉल है और दूसरा यहाँ पे इन्होंने जूस की एक छोटी सी शॉप लगाई हुई है, स्टॉल है मौसमी। और ये हलवा, ये भटूरे हैं। और यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ है, पता नहीं क्या चीज़ें देखते हैं। ये भी सेम ही है, और ये क्या तोल के दे रहे हैं चावल। वेट करके फिर दे रहे हैं। तो जी ये इनके स्टॉल था। अब मैंने जी दूसरी मार्केट में जाना है और वो मेरा लास्ट काम है। इसके बाद शायद मैं एक और जगह जाऊं, अगर नहीं तो बस पर मेरी वापसी होगी। टाइम भी यहाँ पे काफ़ी रश वाला होने वाला है, बल्कि ऑलमोस्ट अब स्टार्ट हो गया रश ना, तो अब निकलेंगे यहाँ से। वो देखें ट्रैफिक उस साइड में बिल्कुल ब्लॉक है, जाने वाली साइड। सब लॉक। यहाँ पे आके बस देखते ही रहते हैं। तो जी अब अगेन मैं जा रहा हूँ बाड़ा मार्केट। खैर पहले तो मैं आ गया था चौक से वापस, अब ये है कि अब मैंने बाड़ा मार्केट के अंदर जाना है और आपको दिखाना है कि ये बाड़ा मार्केट इतनी फेमस क्यों है। तो जी ये लेफ्ट साइड पे आ गया हमारा बाड़ा मार्केट और अब हम बाड़ा मार्केट के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे आप आवाम का रश थे।
यहाँ पे सिर्फ आपने एक चीज़ का सोचना है और यहाँ पे आपको चीज़ मिल जाएगी। अच्छा जी, तो हमारी शॉपिंग जो है ख़त्म हो गई है और अब ये मैं आ गया हूँ बाहर। आप देख सकते हैं किस टाइम आया था और टाइम देख लें क्या हो गया। फुल मट्टी है और अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, अब हम जा रहे हैं घर और आपने देख लिया सारा सामान जो मैंने परचेज़ किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में अब दोबारा से आप लोगों को मैं मिलूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ आप लाजमी शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कोई अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कुछ आपने और कोई चीज़ देखी हो तो जी अगली वीडियो में मुलाकात होती है। दिस इज़ हमज़ा अब्रार कुरैशी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।